अधिकतर स्त्रियों को ये कंप्लेंट होती है कि मेरा पति अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। जिस स्त्री के प्रति वो दीवानापन हुआ करता था, कैसे वो चंद्रमुखी से लेकर ज्वालामुखी हो जाती, क्यों हो जाती है? पुरुष और स्त्री के प्रेम में क्या फर्क होता है, मुझसे किसी ने पूछा। जितनी साइकोलॉजी, इतना मनोविज्ञान मैं जानता हूं और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी मैं जवाब दे रहा हूं। देखो, एक पुरुष का जो प्रेम होता है वो बड़ा तरल प्रकृति का होता है। मतलब जब वो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो वो उसके पीछे बिल्कुल दीवाना हो जाता है। परमात्मा ने स्त्री को सौंदर्य दिया है, उस सौंदर्य के पीछे आमतौर पर पुरुष को अगर किसी से प्रेम हो तो बिल्कुल पागल हो जाता है, बिल्कुल उतावलापन उसके अंदर होता है बहुत ज्यादा। उसका प्रेम जो है वो पेट्रोल की तरह से होता है, पेट्रोल की तरह से अगर है तो फिर वो उसे तुरंत पाना चाहता है। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाएगा, जो मर्जी साम दाम दंड भेद लगाकर उसको पाने का प्रयास करता है। ये पुरुष की प्रकृति है, नेचर के द्वारा कुछ चीजें हैं, तो उसको जानकर और फिर उसको ओवरकम कैसे करना, इसके बात भी करेंगे। तो ये इस प्रकृति को समझना, और अगर कोई बहुत ज्यादा किसी के पीछे दीवाना हो रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रेम अभी है या नहीं है, इस पर अभी बात करते हैं। मेन बात को समझना जरूरी है, उसके प्रेम के अंदर तीव्रता है, बहुत तीव्रता है, पाना चाहता है, वो पाना चाहता है, उसके पीछे वो दीवाना बना रहेगा जब तक वहां से हानि हो जाती। पुरुष का प्रेम जो है वो मणिपुर चक्र से संबंधित है। वो जब उसे पा लेता है, एक बार उसकी तरफ से हां आ जाती है, फिर वो कुछ हद तक लापरवाह होने लग जाता है। देख लेना, बात को समझ लेना, ये आम तौर पर ट्रू है। इसमें प्लस माइनस सुधार हमेशा होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं एकदम परम सत्य है, ये पूरी पुरुष जाति के प्रति बात हो रही है, तो बहुत बहुत सारे चेंजेस इसमें होते हैं। लेकिन जो मैं अभी बात कर रहा हूं ये साइकोलॉजी के हिसाब से है। बहुत अधिकतर हद तक ऐसा होगा कि वो एक बार उसको पोजेस कर लेता है। उसका काम, उसका जो मणिपुर चक्र का जो मकसद है ना, वो है पोजेशन। वो जैसे किसी चीज को पा लेता है, उसके बाद उसके प्रति लापरवाह जैसा हो जाता है। जब वो शादी हो गई, उसके बाद कितनी परवाह रह जाती है, आप भी अच्छे से जानते हैं। सारे जोक्स इसी बात पर बनते हैं कि शादी से पहले चंद्रमुखी, शादी के बाद सूर्यमुखी, और फिर कुछ सालों के बाद ज्वालामुखी। सुनते हैं ना, वो कहां से आ रहा है? जिस स्त्री के प्रति वो दीवानापन हुआ करता था, कैसे वो चंद्रमुखी से लेकर ज्वालामुखी हो जाती, क्यों हो जाती है? वो बस इसी कारण से हो जाती है क्योंकि पुरुष के प्रेम का स्वभाव ऐसा है। अब इस जैसे मैंने स्वभाव का एग्जांपल दिया पेट्रोल की तरह, अब स्त्री पेट्रोल में बस आग लगा दो ना, भड़क उठती है तुरंत। और स्त्री का प्रेम जो है ना कोयले की तरह है। कोयला जलता है ना, जलने में शुरू में बड़ा टाइम लेता है। आप जानते हैं इस बात को, कोयला जब जलता है शुरू में बड़ा टाइम लेता है। एक बार वो हीट अप हो जाता है, उसके बाद फिर वो कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक जलता है। बस ऐसा ही स्त्री का प्रेम जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो चाहती है स्टेबिलिटी, क्योंकि उसकी जरूरत है परिवार, उसको स्टेबिलिटी चाहिए लंबे समय तक। मतलब वो चाहती है कि एक लंबे ये साथ लंबा बना रहे। एक बार जब तक वो शुरू में एकदम से हानि करती, इमोशनली स्त्री बहुत स्टेबल बनाया है परमात्मा ने स्त्री को, इमोशनली बहुत स्टेबल बनाया है, क्योंकि परिवार स्त्रियों से ही बने हैं। परिवार पुरुषों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर पुरुषों का बस चले तो परिवार सारे उजड़ जाए, लेकिन परिवार स्त्री की जरूरत है, क्योंकि उसे 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 बच्चे को जन्म देना है, उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, इनकम के साधन चाहिए, बच्चे को फीड करना है, ये उसकी सबसे बड़ी नीड है। तो परमात्मा ने उसकी प्रकृति को वैसा ही बनाया है। उस प्रकृति को समझना और इस तरीके से एक दूसरे के प्रेम को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्त्री शुरू में बिल्कुल रेजिस्टेंस दिखाती है, हर अरे गहरे को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर लेती, लेकिन एक बार उसे ये भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति जो है मेरे जीवन में मुझे स्टेबिलिटी दे पाएगा, मुझे प्यार दे पाएगा। प्यार उसकी भी जरूरत है, लेकिन उसके प्रेम का वैल्यू ऐसी है जो लंबे समय तक सर्वाइव करे। तो वो हमेशा उस तरह प्रेम को देखती है कि क्या स्टेबिलिटी देगा ये व्यक्ति। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जैसे गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज क्यों है, इसको बात को समझ लेना। चाहे प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा सैलरी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज अभी तक खत्म नहीं है। इसके पीछे एक मेजर जो वजह है वो है इसके पीछे जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि स्त्री की मन की जरूरत है सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसको सेफ्टी चाहिए, रूट चक्र पर जी रही है वो, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी जरूर चाहिए। तो इसलिए अगर दोनों इस नेचर को समझ लें तो पुरुष की अपने उतावलेपन पर कंट्रोल करने की जरूरत है, और स्त्री को जिस तरीके से वो स्टेबिलिटी होती है और वो एक व्यक्ति पर फिर डिपेंडेंट हो जाती है पूरी तरह से उसके साथ, ये जिसकी साइकोलॉजी के साथ क्या है, और जैसे ही उसकी वो जो वो समर्पण कर देती है पति के प्रति, तो फिर पति उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। इसलिए अधिकतर स्त्रियों को ये कंप्लेंट होती है कि मेरा पति अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। ये उसकी प्रकृति का हिस्सा है, बात को समझ लीजिए। पहले जैसा प्यार वो कभी कर भी नहीं सकता, वो सिर्फ तब तक था जब तक उसने पाया नहीं था। ये उसकी प्रकृति है। ये प्रकृति से बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इस बात को समझ लेने के बाद, अगर आपको ये साइकोलॉजी की समझ आ रही है तो। दूसरी बात, ये दोनों अगर किसी परम लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं, किसी महान लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो ये प्यार लंबे समय तक सर्वाइव करता है, बहुत लंबा सर्वाइव करता है। इसी से बनते हैं सोलमेट।
मतलब जिनको एक लंबे समय तक एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब एक साथ चलते हैं, जैसे किसी का बहुत बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य हो या समाज सेवा का लक्ष्य हो या कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य हो जो दोनों को एक लेवल पर लेकर आ सके, फिर ये जो प्यार है ना लंबे समय तक चलता है। तो इस तरीके से जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य को लाने की कोशिश करो जो आपके जीवन को में कॉमन हो, एक ऐसा गोल जिसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट और बहुत अच्छे से हो, कॉमन गोल हो, और वो कॉमन गेम केवल संसार का पालन करना केवल इतने तक सीमित ना रहे, जैसे उसमें एक मुख्य चीज शामिल है जैसे सोशल सेवा, समाज की सेवा। अगर समाज की सेवा में दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो जाए ना, फिर एक दूसरे के बिल्कुल सब जो ये पूरक बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। अगर ये दोनों मिलके जो काम चलता है फिर वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। या जीवन में आध्यात्मिक लक्ष्य बना लेना, दोनों अपने अपने चक्रों पर काम करना और अपने आप चक्रों पर एक्टिवेट करने की पुरुष भी कोशिश करे तो उसका कंट्रोल अपने ऊपर आ जाएगा, और स्त्री भी अपने चक्रों पर काम करे और सेल्फ डिपेंडेंट भी अगर हो जाए तो दोनों का एक बेहतरीन अंदाज में समय, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, भगवान ना करे कभी पुरुष को कुछ हो जाए, किसी भी कारण से अगर जुदा होना हो जाए तो स्त्री का अपनी स्टेबिलिटी अपने पास जरूर होनी चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसके पास वो स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसके पास वो नहीं है, वो डिपेंडेंट जो हो जाते हैं ना, फिर वो गुलामी वाला बिहेवियर हो सकता है उसके साथ। याद रखना ऐसा बहुत बार होता है, सब जगह नहीं लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, याद रखना। इसलिए स्त्री को भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर काम करना बेहद जरूरी है, फिर दोनों का एक परम एक लक्ष्य हो जो कॉमन हो, फिर जीवन को बहुत सही दिशा में ले जाया जा सकता है। तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मेरे ख्याल से। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर पसंद करें, लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत